असलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू बड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए एक कप के करीब हमने बेसन लिया। बेसन में हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो बेसन में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें काला नमक और 1 टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम यहाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं रखेंगे। जैसा कि हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करते हैं वैसा हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ये देखिए बैटर को हमने अच्छी तरह घोल लिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा ये पतली है। तो बस इस तरह का बैटर हमें चाहिए था। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो इसमें हम बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे रखेंगे हम एक तरफ और आलू बड़ों की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसे हम ढक कर रख देंगे एक तरफ। तो आलू बड़ों की स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून के करीब तेल गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब साबुत धनिया और सौंफ दोनों को मिला कर लिया है। तो ये डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे करी पत्ता, थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और ये सारी चीज़ों को हल्का सा तड़का लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डालेंगे राई और ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए। तो इसे हम कद्दूकस करके डाल देंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से मसल कर भी डाल सकते हैं। कद्दूकस करने से ये जल्दी मैश हो जाते हैं। और ये 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स और गैस को करेंगे हम बंद। तो ये स्टफिंग तैयार है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और इसे कर लेंगे ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो ये आलू अच्छी तरह ठंडे हो गए हैं, अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स हम बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत छोटे नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ के ही बनाएंगे और आपको जैसे पसंद हो फिर आप अपने हिसाब से बना ले। तो इस तरह के बॉल्स हम बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह के बॉल्स हमने बना लिए हैं। चलिए तो अब ये तैयार हैं, तो इसे अब हम करेंगे फ्राई। चलिए तो ये बैटर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसके बनाएंगे हम आलू बड़े। तो चलिए इसे कर लेते हैं मिक्स। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब ये आलू के जो बॉल्स हैं इसे हम बेसन में इस तरह डिप करेंगे, ये देखिए इस तरह, और इसे डालेंगे हम ये ऑयल में। तो बेसन में इन बॉलों को हम डिप करते जाएंगे और इसे डालते जाएंगे ऑयल में। और जब ये आलू बड़े थोड़े फ्राई हो जाएं तो अब इन्हें हम पलटेंगे। तो ये देखिए इस तरह इसे हम पलट लेंगे और बस आलू बड़ों को इसी तरह अलटते पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। तो इस पर अच्छा सा कलर आ जाए इसे हमें तब तक फ्राई करना है। तो ये देखिए जब आलू बड़ों पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े के ये फ्राई हो गए हैं, कलर भी इन पर बहुत अच्छा आ गया है। तो बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह आप सारे आलू बड़ों को फ्राई कर लें। तो इस तरह के आलू बड़े आप बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।